तूफान दाना की चेतावनी। बंगाल उड़ीसा में सुरक्षा की तैयारियां तेज कर दी गई है। मछुआरों को समुद्र में जाने की मनाही कर दी गई है। चक्रवाती तूफान दाना के कारण बंगाल और उड़ीसा में हाई अलर्ट जारी किया गया है और ये दीपावली से पहले इन क्षेत्रों में कहर बरपा सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि चक्रवाती तूफान दाना बंगाल की खाड़ी में तीव्रता से बढ़ रहा है और आने वाले दो दिनों में जमीन से टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर की सुबह के बीच ये तूफान बंगाल के सागर द्वीप और ओडिशा के पुरी के बीच से गुजरेगा। लैंडफॉल के वक्त इसकी अधिकतम गति 120 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। हालांकि लैंडफॉल की वास्तविक जगह का पता आज लग पाएगा। चक्रवात की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल NDRF, कोस्ट गार्ड और सभी संबंधित सरकारी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति को नियंत्रण में रखने और जान माल की हानि को न्यूनतम करने के लिए तटीय इलाकों से लोगों को हटाने की मुहिम जोरों शोरों से जो है वो शुरू कर दी गई है। हाईवे और रेलवे सेवाएं जो है इससे प्रभावित होंगी। ओडिशा और बंगाल के तटीय जिलों में प्रशासन ने स्कूलों और सामुदायिक भवनों को राहत केंद्रों के रूप में तैयार कर दिया है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। जो पहले से समुद्र में है उन्हें वापस बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी एजेंसियों ने लोगों से शांत रहने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। बिजली, पानी और आवश्यक सेवा अगले कुछ दिनों में सुरक्षित बनाए रखने के लिए भी योजना बनाई गई है।